चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। करीब दो हफ्ते से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने के कारण एक बार फिर से सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म क्राई फाइटर का जलवा इस सप्ताह भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर छाया रहेगा। जी हां, होली के मौके पर रिलीज सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म क्राई फाइटर का जलवा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अभी भी देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर क्राई फाइटर शानदार चौथा सप्ताह प्रवेश कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म को करीब 20 से ज्यादा सेंटर पर फिल्म को शानदार चौथा सप्ताह प्रवेश मिला है, यानी कि चौथे सप्ताह भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर पवन सिंह का जलवा छाया रहेगा। क्राइक फाइटर में सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके पहली बार प्रदीप रावत, जो बॉलीवुड और साउथ में विलन के काम करते हैं, वो पहली बार भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं और पवन सिंह के साथ दमदार डायलॉग और एक्शन सीन पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पहली बार पवन सिंह संचिता बनर्जी के साथ इस फिल्म में नजर आते हैं। तो करीब 3 साल के बाद भोजपुरी की लुलिया गर्ल निधि झा के साथ पवन सिंह का जोरदार रोमांटिक अंदाज और एक्शन पैक दिखाया गया, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। कुल मिला के कहा जाए तो क्राइक फाइटर का जलवा अभी भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक सुपरस्टार पवन सिंह का क्राइक फाइटर का लुत्फ नहीं उठाया है, तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर पवन सिंह की क्राइक फाइटर जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का एक्शन पैक अंदाज क्राइक फाइटर में कैसा लगा और निधि झा पर फिल्माया हुआ रोमांटिक गाना आप लोगों को कैसा लगा।